ग्रुप डी क्यों देर से हो रहा है, इसका कारण क्या है? आप बताएंगे ग्रुप डी का एग्जाम क्यों देर से हो रहा है भाई? अगर यही सवाल है आपका भी कि ग्रुप डी का एग्जाम क्यों देर हो रहा है, बार बार ये पोस्टपोन क्यों हो रहा है, डेट आगे क्यों बढ़ाई जा रही है, और आप भी अगर ग्रुप डी के एग्जाम को देने की तैयारी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। उम्मीद है आवाज़ बुलंद तरीके से आ रही है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम में देरी के कारण क्या है, तो उसका मैं आज पूरा ब्यौरा देने वाला हूं आपको कि ये देरी क्यों हो रही है और कब तक एग्जाम होने की आशंका है अभी भी। देखिए, अगर बात की जाए, रेलवे ने वर्ष 2019 फरवरी से मार्च के बीच में चार नोटिफिकेशन जारी किए थे, CEN 01, 02, 03 और 04। ये चार नोटिफिकेशन जारी किए थे, ये चार अलग अलग भर्तियों के लिए थे। ये अलग अलग भर्तियां थी। पहली भर्ती थी RRB, NTPC, CEN नोटिस नंबर 2 में जो वैकेंसी थी वो पैरामेडिकल की थी, और उसके बाद CEN 03 का जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए, आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए। और जो चौथा नोटिफिकेशन था CEN एडवर्टीजमेंट नंबर 04, ये आया था RRC ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी के लिए, ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर सर ये चार नोटिफिकेशन वर्ष 2019 फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आए थे तो आज लगभग 2.5 साल होने वाला है, इसका एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? तो कुछ एग्जाम हुए हैं, किसके हुए हैं, क्यों हुए हैं, इस बारे में बात करते हैं, जानकारी लेते हैं, जरा समझिएगा। वर्ष 2019 जब फरवरी से मार्च के बीच में वैकेंसी आई थी, तो उसके बाद जैसे ही 2019 में इन चारों नोटिफिकेशन का एग्जाम होने वाला था तो कोविड पैंडेमिक आ गया। अब आप भी जान रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं कि कोविड पैंडेमिक के बाद या उसके दौरान सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी पैरामेडिकल स्टाफ की, यानी मेडिकल टीम की जरूरत पड़ी थी। तो अब देखिए रेलवे की चालाकी समझिएगा, रेलवे ने सबसे पहले CEN 02 वाले पैरामेडिकल के बच्चों का एग्जाम करा दिया, रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया, और उसके बाद अब उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। समझिएगा बात को ध्यान से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आइसोलेटेड कैटेगरी की। आइसोलेटेड कैटेगरी वाले यानी कि जो CEN 03 में जिन बच्चों का CEN 03 नोटिफिकेशन के तहत आइसोलेटेड कैटेगरी में एग्जाम होना था, उनके भी एग्जाम हो गए, उनका कट ऑफ मार्क्स रिजल्ट वगैरह वेबसाइट पर पड़े हुए हैं। अब उनकी जो फर्दर प्रोसेसिंग है लाइक कि जो टाइपिंग वगैरह है वो बाकी है। लेकिन बात आती है कि NTPC और ग्रुप डी के लिए क्या हो रहा है। तो देखिए NTPC में भी CBT 1 का एग्जाम करा दिया गया था, लेकिन ग्रुप डी में अभी तक इन 2.5 वर्षों के दौरान इसका कोई भी एग्जाम कराने की बात भी सोची नहीं गई है। कारण क्या है उसके जानिएगा, समझिएगा। वर्ष 2018 में इससे पहले ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, और ये चल रहा है 2021 में। इसमें 62,000 लगभग 950 वैकेंसी का ब्यौरा था जिसको भरा गया था, और ये वैकेंसी वर्ष 2018 में आई थी, और अभी भी कुछ विद्यार्थियों में इस वैकेंसी को लेकर चीजें कशमकश में है जो 2018 की थी, उनमें से कुछ विद्यार्थियों को अभी भी बुलाया जा रहा है। अच्छा, NTPC CBT 1 की अगर बात की जाए तो इसकी वैकेंसी जो थी 2015 में आई थी, और अगर देखा जाए 2015 से 2019 का एक 4 साल के समय अंतराल में जब रेलवे मंत्रालय को यह लगा कि ये वैकेंसी आए हुए तो समय हो गया, तो उन्होंने पहले किस कारण से CBT 1 का एग्जाम कराया गया है ये भी सुनिए। उन्होंने पहले CBT 1 का इसका एग्जाम करा दिया, लेकिन ग्रुप डी के लिए अभी कुछ नहीं सोचा गया है। जरा समझिएगा, दो चीजें होती हैं ग्रुप डी का एग्जाम डिले होने का कारण। डिपार्टमेंट में, रेलवे मंत्रालय में जितने भी कर्मचारी हैं, क्यों ना उनसे ही काम चला दिया जाए। उनसे काम चलाने का मतलब जितने लोग रेलवे डिपार्टमेंट में ग्रुप डी में कार्यरत हैं अभी भी, क्यों ना उन्हीं से काम चला लिया जाए, पहला रीजन। इस रीजन के चलते ग्रुप डी का एग्जाम लगातार लेट किया जा रहा है। दूसरा रीजन इसका क्या है, दूसरा है कि 2018 में आई हुई ग्रुप डी की वैकेंसी भी अभी तक कंप्लीटली फुलफिल नहीं हुई है। अच्छा, अब जो 2019 में ग्रुप डी वैकेंसी आई थी, इसका एग्जाम कब तक होने की बात है उसको भी हम लोग आगे बात करते हैं, लेकिन पहले इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, समझिएगा। NTPC की अगर बात की जाए 2015 के बाद 2019 में जो वैकेंसी आई थी, देखिए मिनिस्ट्री क्या करती है, रेलवे मंत्रालय क्या करता है, जब तत्कालीन रेलवे मंत्री थे पीयूष गोयल जी, तो उन्होंने यह कहा था कि रेलवे मंत्रालय किसी भी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन तब जारी करता है और उस समय अंतराल में जारी करता है जब उसे यह पता है कि इस समय अंतराल के बाद कुछ लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
सेवानिवृत्त होने के बाद वो जो वैकेंसी जो पद जिस पर वो लोग कार्यरत थे वो खाली हो जाएंगे और उसी कार्यरत पदों को भी हम नए बच्चों के माध्यम से भर सकते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम डिले होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। और अगर बात की जाए कि ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होने की उम्मीद है, तो भाई इस बात को गांठ बांध लो कि अक्टूबर के आखिरी तक इस एग्जाम के होने की संभावना है, एक टेंटेटिव। कोई भी व्यक्ति अभी इस विषय में यह कंफर्म नहीं कर सकता है कि इस डेट में फला महीने की फला तारीख को एग्जाम होगा। तो जब तक ऑफिशियली रेलवे की वेबसाइट पर इस बात का नोटिस नहीं जारी होती है, किसी भी बहकावे में ना आए। इस पर मैंने एक वीडियो किया भी था, ये आपको बताने के लिए एक थंबनेल मुझे दिखा था यूट्यूब पे, मैंने बताया था कि 5 अक्टूबर को जिसमें घोषणा की गई थी कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग नहीं देखें तब तक इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी अपना एक तरीके से कहा जाए विचार ना रखें और पैनिक बिल्कुल ना हो, ठीक है? क्योंकि ये समय बहुत क्रूशियल समय है आप लोगों का। अगर इस वक्त आपके मन में डर व्याप्त हो गया तो मान के चलिएगा कि आधे एग्जाम को तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो प्लीज इस पर तो बिल्कुल मत वो करिएगा। अब थोड़ी सी बात ये की जाए कि इसकी संभावनाएं कब तक है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो अक्टूबर महीने के लास्ट तक होने की उम्मीद है। तो देरी का कारण क्या है इसको समझने का प्रयास करिए और अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की ढील ना दें। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए अपने चैनल यानी पाठशाला रेलवे एग्जाम पर प्रतिदिन शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास होती है, आज भी होगी, और इसकी प्लेलिस्ट आपको दी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डाल दिया जाएगा, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो यहां से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।